तो देखिए गाइस, फाइनली बजट 2024 भाई मतलब फाइनल वाला अनाउंस हो चुका है। उसके अंदर ना भाई कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट के अंदर चेंज आ चुका है। जी हाँ, तो अब से अगर आप म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हो या इक्विटी शेयर बेच रहे हो तो भाई ध्यान से बेचना, क्या इम्पैक्ट आया है, क्या क्या टैक्स के अंदर रेट के अंदर चेंज आया है, कैसे कैलकुलेशन आपको लगानी है, प्लस गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रिलीफ भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, प्लस ये बजट कब से लागू होता है आपके ऊपर ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकली इस बजट के बेसिस पे अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, टैक्स बचाना चाहते हो, आप हमारी मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए, अगर मैं ऑफिशियल यहाँ पे बजट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 141 से लेकर 145 वाले पॉइंट्स, ये बेसिकली चार पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया गया है। चलिए इसको डीकोड कर लेते हैं। तो मेनली देखिए, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स हुआ करता था इक्विटी के ऊपर, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड की बात करूँ या फिर इक्विटी की बात करूँ, तो एक साल के पहले अगर आप बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे तो 111A के अंदर 15% का स्पेशल टैक्स रेट लगा करता था। अब से भाई वो 15 नहीं 20% का टैक्स लगने वाला है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था एक साल के बाद में अगर आप बेचते थे और उसके ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ करता था, 1,00,000 तक का प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट हुआ करता था और उसके बियॉन्ड जो भी आप प्रॉफिट कमाते थे 10% का टैक्स रेट लगता था। अब ये जो लिमिट है 1,00,000 की, उसको भी बढ़ा दिया गया है, 1,25,000 कर दिया गया, लेकिन साथ में टैक्स रेट भी जो है 10% की जगह 12.5% कर दी गई है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर दोनों को यहाँ पे बेचा है आपने फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वैल्यू मान लीजिए आपकी 12,00,000 रुपये, बाय वैल्यू आपके टोटल नेट जो है 10,00,000 रुपये, अल्टीमेटली आपने जो है 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे जो है अर्न किया है, यानी एक साल के पहले आपने होल्डिंग को बेचा और 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था, इस सीधे 2,00,000 रुपए के ऊपर सीधा सीधा जो है 15% का टैक्स रेट लग जाता था। जी हाँ, यानी आपको 30,000 रुपये अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करने पड़ते थे जब भी आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करते थे। लेकिन अब से ये 15 की जगह 20% हो गया, यानी अब 30,000 की जगह भाई 40,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं टैक्स हटाने की बात में अल्टीमेटली प्रॉफिट की बात करूं, तो अगर 2,00,000 का प्रॉफिट भाई अगर आप एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हो तो आपके हाथ में अब से 1,70,000 की जगह सिर्फ 1,60,000 रुपए बचने वाला है। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो वहां पे क्या सीन है, जैसे मान लीजिए वहां पे भी अगर मान लीजिए आपने 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया होता एक साल के बाद में बेच करके, तो पहले जो टैक्स लगता था 1,00,000 की आपको रिबेट मिलती थी, यानी 2,00,000 में से 1,00,000 आपको माफ कर दिया जाता था और बाकी का जो 1,00,000 होता था उस पर 10% यानी कि 10,000 रुपये का टैक्स बनता था। अब से यहाँ पे क्या होने लग गया है, ये जो 10,000 रुपये का टैक्स है, यहाँ पे जो लिमिट थी 1,00,000 रुपये की, उसको 1,25,000 कर दिया गया है और टैक्स रेट भी बढ़ा दी गई है। तो अगर आप 2,00,000 रुपये के प्रॉफिट पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 12% की अगर आप मतलब 12.5% की रेट से भी अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो एज कम्पेयर टू पहले के कंपेयर में आपको कम यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे आप देख सकते हो 2,00,000 के प्रॉफिट पे हमें एडवांटेज दिख रहा था, लेकिन वहीं पे अगर मैं 5,00,000 का प्रॉफिट की बात करूँ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 5,00,000 रुपये का, तो भाई पहले आपको अपनी जेब से केवल 40,000 रुपये देने पड़ रहे थे एज ए टैक्सेस, लेकिन अब आपको जो है 46,875 रुपीस देने पड़ेंगे। इसका चलो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये मैंने लाइव आईटीआर पोर्टल खोल रखा है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, जब आप ITR 2 या ITR 3 के अंदर अपना 111A के अंदर अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा देते, जैसे अभी आप देख सकते हो 1.58 लाख रुपीज़ का मेरा कैपिटल गेन है। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो 4,697 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे आप देखोगे शेड्यूल स्पेशल जब आप इनकम के अंदर जाओगे तो वहाँ पे ना प्रॉपर टैक्स की यहाँ पे कैलकुलेशंस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका 111A होता था वहाँ पे 15% का टैक्स रेट चलता था, तो अब ये 15 से चेंज होके सीधा भाई 20% होने वाला है। और यहाँ पे पहले जो 10% हुआ करता था ये 10 से 12.5% हो जाएगा। लेकिन अच्छा बेनिफिट यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि सिर्फ पहले 1,00,000 रुपये कम किया जाता था, जैसे अगर 1,50,000 का प्रॉफिट है तो 1,00,000 माइनस हो जाता था और 50,000 रुपये 10% आपको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन आप 1,00,000 की जगह 1,25,000 माइनस होगा,
फिर जो भी बचेगा उसके ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। तो ये वाले जो टैक्सेस है वो अब सिंपली तरीके से आपके जो है चेंज होने वाले कैपिटल गेन के अंदर। बाकी गाइस अगर मैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करूं या और अदर म्यूचुअल फंड्स के जो होते हैं हाइब्रिड टाइप वाले उनकी बात करूं जहां पे लेस देन 65% इक्विटी निवेश होता है, तो उस केस में उनको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। साथ में चाहे वो कितना भी होल्ड करे, चाहे लॉन्ग टर्म भी करे, तो भी हमेशा उसको शॉर्ट टर्म की तरह ही काउंट किया जाएगा और वहां पे जो टैक्स रेट लगेगा ना वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलेगा। अब देखो स्लैब रेट भी जो है बजट के अंदर चेंज हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरा एक दूसरा चैनल है माय ऑनलाइन सीए करके, वहां पे आप विजिट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस अगर मैं बात करूं कि ये बजट के ये वाले जो रूल्स है वो कब से एप्लीकेबल है, तो वो भाई आज से ही एप्लीकेबल है। तो ऐसा मत करना कि ये न्यूज़ सुन के कि फटाफट चलो मैं तो अपने ना सारे शेयर्स वगैरह म्यूचुअल फंड्स निकाल देता हूँ, मेरे को तो 10% का ही टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने जो चीज़ें बताई है उसको ध्यान से कैलकुलेशन करना। वैसे इसके ऊपर आप एक ना टैक्स वगैरह भी बचा सकते हो, जो कि मैंने अपने मास्टर क्लास के अंदर भी ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये टैक्स सेविंग एक हैक होता है, तो 1,00,000 से अब 1,25,000 की लिमिट हो चुकी है, तो उस पर आप अच्छा खासा एक टैक्स बचा सकते हो हर साल। वो बचाना कैसे है उसके लिए प्लीज आप मास्टर क्लास को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।